अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज छुट्टी पे है वो एक्ने के लिए है, पिंपल्स के लिए, कि हम लोग पिंपल्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको सबसे पहले वो बता दूँ कि हम लोग ले रहे हैं इसमें मुल्तानी मिट्टी, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है, पीली हो दूसरी वाली हो, ठीक है, ये सिंपल एक पानी। और इसके अलावा जो मैं ले रही हूँ इसमें ये एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, सेब का सिरका। व्यूअर्स मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि आप लोग क्वांटिटी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें लेते हैं थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। हम एक फेस के लिए बना रहे हैं फेस पैक, और ये आप देख लें पहले क्वांटिटी को, ठीक है। ये सख्त फॉर्म में थी, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, पाउडर फॉर्म में बना लिया। ये पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी बाज़ार से, छोटा सा एक पैक होता है। अच्छा अब मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा पानी, एक मिनट में इससे डाल लेती हूँ पानी, ठीक है। ये थोड़ा पानी, हमने पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना क्योंकि पतला जब बन जाता है तो फेस पे स्टेबल नहीं होता। और इसमें थोड़ा सा जो से है हम लोग ले रहे हैं सेब का सिरका। अच्छा सेब का जो सिरका है ना वो आपकी जो पिंपल्स है एक्नी है उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये आपके फेस पे जो ऑयल है उसको कंट्रोल करता है। ये मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लिक्विड फॉर्म में हो गया है, ठीक है। मैं तो उसी मुल्तानी मिट्टी और डाल रही हूँ। ये छोटे पैकेट में फेस मिल जाती है आपको आराम से मुल्तानी मिट्टी। व्यूवर्स अगर आप लोग सख्त फॉर्म वाली मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं जो बाज़ार से मिलती है तो आप उसको पानी में डिप करके रख दें, भिगो दें, ठीक है। वो जब सख्त से नरम हो जाएगी, फॉर्म में आ जाएगी, तो आपने क्या करना है कि उसमें एक चम्मच सेब का सिरका डालना है और फिर उसको यूज़ करना है। मैं जो ये मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ ये मुझे फेस पैक में छोटे छोटे जो पैक होते हैं उसमें मैंने ली थी। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको अपने फेस पे लगाएं, 10 मिनट लगा रहने दें, ठीक है। ये वेट नहीं करना आपने कि जब हमारे 10 मिनट हो इनके ड्राई होगी तो हम लोग इसको वॉश करेंगे, नहीं। जैसे आपके 10 मिनट्स होते हैं आपने इसको लाइटली मसाज करते हुए वॉश कर देना है। तो डियर व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये आपके फेस को कंट्रोल, फेस ऑयल को कंट्रोल करेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।